आज बेगम बाजार छतरी में योगी आदित्यनाथ जी है, उसके बारे में आपको कैसा? जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे बेगम बाजार छतरी में योगी जी की जनसभा थी और रोड शो था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाखों की संख्या बोल सकते हैं उसे, बेगम बाजार छतरी पूरा जन सैलाब से भर गया था। वजह, यहाँ के हर बच्चे के दिल में भगवा है और यहाँ जितने भी लोग आए थे, 300-500 वाले नहीं थे, सब दिल से भगवाधारी थे, वो आए थे। सब राजा भाई के समर्थन करने के लिए आए थे और ये बताने आए थे कि KTR और KCR जो झूठे वादे करते आए हैं और जनता को बहकाते आए हैं, तो जनता उनके झांसों में नहीं आने वाली। इसी छतरी पर KTR आया था और उसने जनता को अपने जुमलेबाजियाँ करके अपने बहलाने की कोशिश करी, पर आज जनता ने यहाँ आके बता दिया कि हम उसके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उसने डेवलपमेंट की बात करी। डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट तो तभी होगा जब फंड आएगा। फंड यहाँ पे 502 करोड़ का काम हो रहा है, गोशा महल में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, वो फंड रोक दिया। जब फंड ही नहीं आएगा तो काम तो अधूरा रह जाएगा। जनता को गड्ढे दिख रहे हैं, कचरा कुंडियाँ दिख रही है, पानी बहता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह है कि काम तो शुरू हुआ लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं आने की वजह से रुक गया। तो जो डेवलपमेंट की बातें जनता को यहाँ आकर KTR ने करी है, वो डेवलपमेंट उसने जो काम रोके हैं वो हैं। और बात अगर करे जाए कि जनता क्या चाहती है, जनता विकास चाहती है, आज का नहीं भविष्य भी देखना चाहती है अपना। और मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने आज राजा भैया का समर्थन किया है यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आकर, उसी तरीके से 30 तारीख को भी पैसे किसी के भी लो, क्योंकि टैक्स हम पे करते हैं, वो पैसे हमारे हैं। सबको घर घर जाकर पैसे बांटना आसान है, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करना मुश्किल है। आज पूरे देश में अगर हम कहीं भी जाते हैं और हम हैदराबाद का नाम लेते हैं, तो हमें सीधा यही पूछा जाता है कि अरे वहाँ जहाँ राजा भैया रहते हैं वहाँ आप रहते हो। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस इंसान के, वानर सेना के सैनिक है छोटे से, जिन्होंने एक अपना वो लिया है, संकल्प लिया है कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। और मैं जनता को ये कहना चाहती हूँ कि KTR ने यहाँ आकर कहा था कि वो गोशा महल को गोद लेगा। क्यों भाई, तुम्हारे कैंडिडेट पर विश्वास नहीं है? हमें तो पूरा विश्वास है हमारे कैंडिडेट पर कि वो जीतेगा और काम करेगा। तुम्हें विश्वास नहीं है, पहले टिकट देने में देरी करी, अब अगर वो जीत गया तो गोद तुम लोगे, डेवलपमेंट तुम करोगे। यानी जिस पार्टी को अपने कैंडिडेट पर भरोसा नहीं है, वो जनता को क्या अपना आश्वासन देगा? साथ ही मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि अगर KTR गोशा महल को गोद लेने की बात करता है, तो आप सब कमल के निशान को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए। देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी पूरे तेलंगाना को गोद लेने को तैयार बैठे हैं, गोशा महल को गोद लेने को तैयार बैठे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अखंड हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 30 तारीख को अपना पूर्ण समर्थन राजा भैया के हित में दीजिए और कमल के निशान को 3 नंबर पर वोट करके तीसरी बार विजयी बनाइए। एक और झटका, हैट्रिक पक्का। गोशा महल से जनता से, हर एक जनता को हम धन्यवाद करते हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सक्सेसफुल करने के लिए। जय श्री राम।